कोरोना वायरस के संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। दुकान से लेकर मॉल तक, बस से लेकर हवाई जहाज तक सब कुछ बंद है। कोरोना वायरस के मरीजों के संपर्क में आए लोगों पर खास तौर से नजर रखी जा रही है, लेकिन लॉकडाउन के बावजूद बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो घरों से बाहर निकलकर वायरस के फैलाव को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों पर नकेल कसने और उन पर नजर बनाए रखने के लिए दूसरे तरीके भी अमल में लाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन या फिर क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वालों के लिए अब ड्रोन कैमरे से नजर रखने का काम शुरू किया है। वेस्ट दिल्ली पुलिस ने बेमतलब घर से बाहर निकलने वाले लोगों पर ड्रोन के जरिए निगरानी रखने की शुरुआत की है। पहले मोतीनगर इलाके में ड्रोन के जरिए लॉकडाउन तोड़ने वालों पर नजर रखी जा रही है। इसके बाद वेस्ट दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी इसका इस्तेमाल करने की तैयारी है। पुलिस का कहना है कि ड्रोन की मदद से लॉकडाउन तोड़ने वालों की पहचान आसान होगी। यही नहीं, इस तरह से निगरानी के चलते पुलिस कर्मियों को भी कोरोना वायरस की चपेट में आने से बचाया जा सकेगा। पुलिस का कहना है कि ड्रोन से निगरानी कर वो न सिर्फ बिना समय गंवाए हर इलाके पर नजर रख सकती है, बल्कि किसी भी परिस्थिति में तुरंत एक्शन भी ले सकती है। अभी जैसे कंप्लीट लॉकडाउन हो चुका है और अभी हम पूरा स्ट्रिक्टनेस से कर रहे हैं, तो अभी सारे लोगों को बताया जाता है कि बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस हो चुकी है। अभी जो माइग्रेंट लेबर, जैसे कोई अगर लेबर रास्ते में चल रही है, उसके लिए हमने ये किया है कि अब हम इक्का दुक्का लेबर भी कोई भी रास्ते में कोई नहीं दिखेगी अगर कोई यहाँ से जा रही होगी हमारे वेस्ट दिल्ली से, तो हमने उसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रोन से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ इक्का दुक्का लेबर भी है और उसको उसी टाइम तुरंत एक्शन लेके गाड़ी लेके उनको शेल्टर होम में रख रहे हैं। जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन और अब कर्फ्यू के एक सप्ताह से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद भी लोग इसकी गंभीरता समझने को तैयार नहीं है, जिसे देखते हुए पुलिस ने अब सख्ती का मन बना लिया है। लिहाजा पुलिस की टीमें इलाकों के गली मोहल्ले और मेन रोड पर अनाउंसमेंट कर लोगों को चेतावनी जारी कर रही हैं कि अगर अब लोग बेवजह घर से बाहर निकले तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक खाने का सामान या दवाइयां ले लें, घर से बाहर निकले अन्यथा बेवजह घर से बाहर ना जाएं। आसमान से लॉकडाउन तोड़ने पर नजर रखने का काम कर रहे ड्रोन के जरिए इस कार्रवाई में पुलिस को काफी आसानी भी होगी और लोगों में डर भी बैठेगा, जिससे कोरोना के खिलाफ जंग में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।